हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज फिर से एक न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है। बहुत दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। इसका रीज़न भी बताती हूँ कि मेरे डेली ब्लॉग्स क्यों नहीं बन पा रहे हैं। मेरा एग्ज़ाम है तो थोड़ी मैं एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हूँ, इसकी वजह से मेरे डेली ब्लॉग्स बिल्कुल नहीं बन पा रहे हैं। और फिर थोड़ा बहुत घर का काम भी रह जाता है। जैसे ही मेरा एग्ज़ाम हो जाएगा उसके बाद आप सबको मेरे डेली कंटिन्यू ब्लॉग आपको मिलते रहेंगे। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इतने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आने वाली वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लेना, जिससे कि आप सबको पता चल जाए कि मैं जब भी वीडियो अपलोड करती हूँ आप सबके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। और अभी बजे हैं मॉर्निंग के 7। सुबह का मॉर्निंग का वही रूटीन रहता है, खाना पीना बनाना होता है और अभी बनाऊँगी मैं खाना। मेरे पास बहुत कमेंट आ रहे हैं कि मैम आप होम क्लीनिंग के ब्लॉग डालिए, साड़ी में ब्लॉग डालिए, बट मेरे पास अभी थोड़ा टाइम, थोड़ा वेट कीजिए। आप सबके साथ मैं डेली कंटिन्यू ब्लॉग लाती रहूँगी। अभी बनाऊँगी मैं खाना, अभी चलते हैं किचन की तरफ। और खुशू गया है नीचे डैडी के साथ, इतने मैं फटाफट से जल्दी से काम को निपटा लेती हूँ। और आज वैसे भी मैं बहुत जल्दी उठ गई हूँ और यहाँ देखिए लाइट नहीं है। अभी पहले मैं लाइट ऑन कर लेती हूँ। किचन में मैंने सब्जी बनाने के लिए रख दिया आटा भी। हाँ बोलो, यहाँ खुशबू आ गया, बोलो। दवाई ले लो। दवाई देखो बाबा खा ले लो। मैंने सारी मटकी फैला दी पानी के, मटकम फैला दी। ये देखो खुशबू ऐसी शैतानियां करता है, आपकी दवाई सारी मटके में डाल दी। आँख वही डाल देते किसी की में। इधर आओ, नहीं दी एक मिनट। हाँ यहाँ देखो, ये खुशबू आ गया है और खुशबू ने फिर से शैतानी, ये सुबह से ही ऐसा है। ये देखो खुशबू ना, पता है खुशबू बहुत शैतान है और ये सुबह से ही। अब कहाँ जा रहे हो? खुशबू मैगी बना तो मिल रही है। क्यों बना दो ना मैगी, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। और मैं आ गई हूँ अभी नहाकर, और हमने एक वीडियो शूट करी थी, अभी मैं आपको उसको दिखाऊंगी कैसे हमने वीडियो शूट करी थी। खुशबू के डैडी की मूछें जल गई हैं। और खुशबू, हाँ 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 बोलो, क्या हो रहा है? और यहाँ ये अपनी मूछ चेक कर रही है। मैंने इनकी मूछ जलवानी, देखे जल गई सच्चाई, देखे थोड़ी सी जली है बस। ऐसे कॉमेडी कर किसी दिन तुम ना चल जाए। चलो हल छोड़ो। दोपहर का टाइम हो रहा है, अभी बनाएंगे हम दोपहर में स्प्रिंग रोल और मोमोज। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और आगे आपको और भी अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहेंगी। अभी चलते हैं किचन की तरफ, अभी हम मोमोज बनाना शुरू करते हैं। मोमोज बनाने के लिए मैंने स्टफिंग आटा पहले ही रेडी कर लिया है, और मेरे पास थोड़ी बहुत क्लिप है मोमोज और स्प्रिंग रोल बनाने की। अगर आज का मोमोज और स्प्रिंग रोल बनाने का मेरा तरीका आपको अच्छा लगे तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो, जिससे कि मैं आने वाले ब्लॉग्स में आप सबके साथ मोमोज और स्प्रिंग रोल की स्पेशल वीडियो लेके आऊं। और अभी मैं मोमोज बनाने के लिए बेल रही हूँ पूड़ी। जिस तरीके से हम पूड़ी बेलते हैं उस तरीके से मैं एक पूड़ी बेलूँगी। और मोमोज के लिए हमें बिल्कुल पतली पूड़ी बनानी होती है, किनारे से बिल्कुल पतला रखेंगे, जिससे कि मोमोज जब भी हम फ्राई करें तो वो कच्चे ना लगे अंदर से, क्योंकि मैदा है, मैदा अंदर से कच्ची रह जाती है, इसलिए पतली ही पूड़ी बनाएंगे। उसके बाद मैं इसमें स्टफिंग को ऐड करूँगी, और आप जब भी स्टफिंग इसमें ऐड करें तो एक चम्मच के करीब ही स्टफिंग को ऐड करें। और स्टफिंग ऐड करने के बाद मैं इसको साइड से रोल करूँगी। आप मोमोज को तीन चार तरीके से शेप दे सकते हैं, जैसा चाहे मन करे, जैसी भी आप मोमोज को रोल करने के बाद आप
चाहे तो स्टीम कर सकते हैं या फ्राई कर सकते हैं, जैसे भी आपको खाना पसंद है, स्टीम या फ्राई। पहले आप स्टीम करेंगे उसके बाद फ्राई करेंगे तो ज़्यादा टेस्ट आता है, ज़्यादा खाने में अच्छे लगते हैं। मैं सबसे पहले मोमोस बनाने के बाद इसको स्टीम करूँगी, स्टीम करने के बाद फ्राई करूँगी। और यहाँ देखिए मैं किस तरीके से शेप दे रही हूँ मोमोज़ को, आप इस तरीके से शेप दीजिए, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्ट आता है। और यहाँ देखिए मेरा मोमोज है वो बनकर रेडी हो गया है। ये देखिए कितनी अच्छी शेप आई है, आप इस तरीके से भी शेप दे सकते हैं मोमोज को। उसके बाद बनाएंगे हम स्प्रिंग रोल। मेरे पास थोड़ी बहुत ही क्लिप है तो मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। स्प्रिंग रोल बनाने के लिए सबसे पहले मैं स्प्रिंग रोल शीट तैयार करूंगी, और आप देखिए मैं किस तरीके से स्प्रिंग रोल शीट तैयार कर रही हूँ। सबसे पहले हमारे बनकर रेडी हो गए हैं। मैंने जितने भी मेरे पास स्प्रिंग रोल थे सारे ऑयल में फ्राई कर लिए हैं। जब भी आप स्प्रिंग रोल को फ्राई करें तो इन्हें हाई फ्लेम पे करें, अगर इन्हें लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा क्रंची हो जाते हैं। जब भी आप इन्हें कट करोगे तो सारे टूट जाते हैं। और अभी मैंने नाइफ की सहायता से कट करूँगी। अगर आज का ब्लॉग आपको पसंद आया हो तो ब्लॉग को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में।